गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इन क्लास ट्वेल्व टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट योर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एज यू नो इट वेरी वेल, इन क्लास ट्वेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इन ग्रामर द टेंसेस, जब आपको टेंसेस का ज्ञान होगा तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाने में समर्थ होंगे। कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं या लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, कुछ भी आपके माइंड में आता है, अगर आपको टेंसेस का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, आता हुआ भी आप नहीं बोल पाओगे। और अगर आपको उन सब चीज़ों का ज्ञान है तो आपको तुरंत आपको मन के अंदर सेंटेंस आया और आपने तुरंत सेंटेंस बना लिया। तो सबसे पहले आपको टेंसों का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। काल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे आपका वर्तमान काल और क्या कहते हैं भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन काल होते हैं। तो ये टेंसेज हैं। ये अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, कुछ ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी इंग्लिश में हमें करना है तो मैं सबसे पहले बेसिक ज्ञान में हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमें अगर टेंस का ज्ञान है तो हमारे मन के अंदर आई चीज हम तुरंत लिख लेते हैं। तो सबसे पहले और यही हमारे मूलभूत बेसिक आधार है, क्योंकि देखिए अगर हम ट्रांसलेशन पीस करते हैं तो भी मुझे टेंस का ज्ञान जरूरी है। लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो भी टेंस का ज्ञान जरूरी है। कुछ सिंपल आइडिया लिखते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं ऐसे वगैरह, हमको सबके लिए ग्रामर में टेंस का आधार जो है वो बहुत जरूरी है। आइए टेंस के बारे में आज हम आपके साथ देखिए खुद भी शेयर करते हैं। आइए देखिए टेंस क्या है। टेंस माने काल, टेंस माने प्रेजेंट टेंस। तीन प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द प्रेजेंट टेंस, सेकेंड टाइप पास्ट टेंस एंड थर्ड टाइप फ्यूचर। टाइप्स ऑफ टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीन टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमारा क्या आता है? वर्तमान काल। इसमें हम ये बताते हैं कि वर्तमान समय पे हम क्या कार्य कर रहे हैं और कौन सा कार्य मेरा हो रहा है। जो प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं मेरा वर्तमान कहलाता है। और जो पास्ट टेंस है उसमें हम ये बताते हैं कि जो समय बीत चुका है उसमें जो काम करते हैं वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है, और भविष्य में जो इन फ्यूचर काम होगा वो भविष्य काल कहलाता है। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट वर्तमान है, फिर पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आगे होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं टेंस मेरे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ईच एंड एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स, फोर टेंस। Each and every tense has four parts as we take present tense. हम we take present tense. In present tense we have four parts. In present tense we have four parts as present indefinite tense, present continuous, present past, present perfect tense और present perfect continuous tense. ठीक, देखिए बच्चों टेंस तो मेरे ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, लेकिन प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। उन चार भागों में क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले आपका देखा प्रेजेंट टेंस सिखाया तो पहले हमने प्रेजेंट के सारे भाग लिखे। प्रेजेंट के सारे भाग में क्या लिखते हैं देखिए, यदि हमने प्रेजेंट टेंस लिया तो देखिए हम प्रेजेंट टेंस में आपको ये आपका अब हम आपको देखते हैं, ये देखिए प्रेजेंट टेंस आया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट देखिए सबसे नंबर पर लिया प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस,
देखिए बच्चों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये देखिए प्रेजेंट टेंस उठाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। ऐसे ही हम जब पास्ट में पहुंचेंगे तो यही चारों पार्ट मेरे पास्ट के हो जाएंगे, जब फ्यूचर में आएंगे तो यही चारों पार्ट मेरे फ्यूचर के हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 8 has 4, 12 part, यानी टेंस इज 3, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 parts, एज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देन आफ्टर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देन आफ्टर फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
हाँ तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि पहचान क्या है, जो सेंटेंस मेरा लिखा हुआ है उसके अंत में क्या लिखा हुआ है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होंगे उनमें सबसे जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस होगा उसकी पहचान होगी कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में का है, पी है, वाक्य के अंत में ता है, ई है, ते है, तथा ते हो आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं। जब वाक्य अंत में ये देखेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, अब जब हमें पहचान होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनमें से सब्जेक्ट छांटे कि जो दिया हुआ सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या कोई नाम हो, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या कोई नाम हो, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप फिर उसके बाद आपने पहचान कर ली कि हमारे वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है। फिर आप देखिए इनमें से कौन सा हमारा सब्जेक्ट पड़ता है। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो आई, वी, दे, यू के अंतर्गत होगा, तो आपकी वर्ब देखो जो वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, वाक्य के अंत में पहचान देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की का हमारा टेंस है, सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं कि जो सेंटेंस में दिया गया है वो आई, वी, दे, यू इनमें से कोई है। अगर इनमें से कोई है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। और अगर ही, सी, इट या कोई भी नाम दिया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। ठीक, अब आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते
और निगेटिव में आया है। आई बी वेरियो के साथ में डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ में आया। फिर ही सी किट या किसी नाम के साथ इसका डस फॉर्म, किसमें निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में आया, इंट्रोगेटिव में अगर डू अगर आई बी वेरियो वाला कोई सब्जेक्ट है तो उनसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अगर ही सी की क्या किसी नाम के साथ कोई सब्जेक्ट है तो पहले डस निकाल देंगे इंट्रोगेटिव में और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अब आप देखिए उदाहरण देखिए, सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग होमवर्क में चार सेंटेंस नोट करिए हम बोल रहे हैं और हर सेंटेंस का यही चारों चारों सेंटेंस आपको बनाने होंगे। एक सेंटेंस हिंदी में बोलेंगे, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है इसके चार हमने बनाए हैं, ऐसे आपको एक सेंटेंस बोलेंगे और आप चार सेंटेंस बनाएंगे। नोट करिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चारों बनाने हैं आपको। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, सॉरी हाँ हेलो हाँ फिर से बच्चों नोट करिए, बोलिए आप लिखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दूसरा लिखिए अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, आगे लिखिए तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो,
माली पौधों में पानी देता है। माली पौधों में पानी देता है। सभी बच्चे कल होमवर्क कंप्लीट करके लेके आए, सभी बच्चे कल ग्रुप में होमवर्क करके डालेंगे।